हेलो फ्रेंड्स, नए वीडियो में आपका स्वागत है। ये अभी आप जो देख रहे हैं इसे बोला जाता है सीवेज पंप, मड पंप भी बोलते हैं इसे। ये बेसिकली होटल, हॉस्पिटल, रेस्टोरेंट में अंडर पार्किंग में इसका यूज होता है, या एसटीपी में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट हो गया, या वेस्ट वाटर मैनेजमेंट के लिए इसका यूज़ किया जाता है। और हम इसे यूज़ करते हैं वाटर टैंक क्लीनिंग में। दोस्तों, ये 1 HP का सीवेज पंप है और ये ब्रांड है क्रॉम्पटन एंड ग्रीव्स का। यहाँ पर देख सकते हैं लोगो बना हुआ है यहाँ पर, और इसके डिटेल्स के बारे में जानते हैं तो मैं पास से एक बार दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 1 HP का है, ठीक है। यहाँ पर वोल्ट्स देख सकते हैं, स्पीड इसकी 2700 RPM की है, ठीक है। ये सिंगल फेस पर रन करता है और इसका जो हेड है वो लगभग 9 मीटर तक आपको 3 फिट पे 24,800 लीटर ये पानी 1 घंटे में डिस्चार्ज करता है, ठीक है। जो डिस्चार्ज का रेट आप देख रहे हैं यहाँ पर 385 तक LPM तक जाता है, और जो मैक्सिमम सॉलिड साइज़ है इसकी 35 mm की है। जो वेस्ट कचरा निकल सकता है वो 35 mm तक का टुकड़ा निकाल सकता है, ठीक है दोस्तों। बाकी मैं इसके बारे में एक बात और बताना चाहूँगा कि इसके साथ आपको एक यहाँ पर देख सकते हैं ये ऑटो कट मिल जाता है, ठीक है। ये जब ऊपर की तरफ रहेगा वाटर फ्लो तो ये ऑन रहेगा, जैसे ही ये अपने लेवल में नीचे की तरफ आएगा तो ये मोटर ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगी। फ़िलहाल हमारा टैंक क्लीनिंग में तो हम इसे डायरेक्ट रखते हैं, हमेशा ऑन रखते हैं जब तक पानी खाली नहीं हो जाता। और नीचे के साइड से ये सक्शन करता है, मैं दिखाना चाहूँगा। ये बेस है इसका, ठीक है। ये SS स्टील का है और ये कास्ट आयरन है। इसके फीचर्स के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ऑल कास्ट आयरन कंपोनेंट CED कोटेड हैं। मोटर बॉडी हार्डवेयर मटेरियल्स SS304 के बने हुए हैं। बिल्ट इन थर्मल ओवरलोड प्रोटेक्टर के साथ आता है ये सिंगल फेज में। सिंगल फेज पंप्स आर फिटेड विद फ्लोट स्विच ऑटोमेटिक ऑपरेशन। डबल साइडेड सिलिकॉन कार्बाइड मैकेनिकल सील लगा हुआ है, ठीक है दोस्तों। फिर यहाँ पर सॉलिड हैंडलिंग साइज़ आप देख सकते हैं 35 mm का है। IP68 प्रोटेक्शन, यानी ये पानी के अंदर आराम से इसको यूज़ कर सकते हैं डायरेक्ट। एफ क्लास इंसुलेशन है। फ्लूड टेम्परेचर लगभग 60 टेम्परेचर तक ये रह सकता है, ठीक है। और यहाँ पर एप्लीकेशन इसका कंस्ट्रक्शन साइड, फ्लूड हैंडलिंग, होटल रेस्टोरेंट, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट एंड वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट्स पर इसका यूज़ किया जाता है। तो मैं एक बार आपको साइट पर ले चलता हूँ और वहाँ पर दिखाता हूँ कैसे हम इससे पानी खाली करते हैं। दोस्तों, ये जो आप क्लैम देख रहे हैं ये अलग से परचेस किया है हमने, और यहाँ पर हम 3 इंच का या 4 इंच का जो पाइप होता है वो लगाएंगे, फिर इसको मैं यूज़ करके दिखाऊंगा। बाकी दोस्तों, अगर बात करें वायर के केबल की तो इसकी दोस्तों क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा सॉलिड है। आप देख सकते हैं ये इंडियन कंपनी है, जिस वजह से इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है और लगभग 4 मीटर के करीब है, 4.5 मीटर होगा अराउंड। तो चलिए साइट पर चलते हैं, मैं इसका अब दिखाता हूँ वर्क कैसा है। सो गाइज, अभी आप देख सकते हैं ये हम 3 इंच का डिलीवरी पाइप लगा रहे हैं। इसमें आप 4 इंच का भी डिलीवरी पाइप यूज़ कर सकते हैं और अच्छा फ्लो देगा। तो फ़िलहाल मैं इसको फिट कर रहा हूँ, उसके बाद अब वाटर टैंक के अंदर इसको हम डालते हैं, फिर देखिएगा इसका फ़्लो कैसा आ रहा है पानी का। अभी हम आगे वीडियो में दिखाएंगे आपको। इस मशीन का वेट लगभग 20 kg के करीब होगा, काफ़ी वेटेड है। दोस्तों, बात करें इसके प्राइस के बारे में तो ये मुझे 13,800 का पड़ा था मार्केट से, और उसके बाद मैंने इसमें क्लैंप लगवाया, पाइप लगवा के ये लगभग 500 और खर्चा हुआ, ठीक है दोस्तों। तो अभी हम इसको प्लग करते हैं, देखिएगा, फिर इसको स्टार्ट करके आपको मैं दिखाता हूँ इसका फ्लो। ये सीमेंटेड ओवरहेड वाटर टैंक है लगभग 50,000 लीटर का, और ये मैंने स्टार्ट कर दिया और आप देख सकते हैं पाइप पूरी तरह से तन चुका है। और आगे मैं दिखाता हूँ आपको फ़्लो कितना ज़्यादा निकल रहा है इसका। तो ये देख सकते हैं आप, बहुत ही ज़बरदस्त पंप है, आप इसका यूज़ कीजिए। मैंने ऑनलाइन चेक किया, अमेज़ॉन पे एक वी गार्ड करके है 1 HP का, वो काफ़ी अच्छे प्राइस में मिल रहा है, 12,400 समथिंग। तो वो भी आप परचेस कर सकते हैं, सेम मॉडल है इसका, मॉडल नंबर है CG10 करके है। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप देख लीजिएगा वहाँ से जाके।
बाकी देख सकते हैं अभी आप फ्लो इसका काफ़ी तगड़ा है। एक घंटे में लगभग 24 से 25 हज़ार लीटर ये वाटर को डिस्चार्ज करता है, जो कि हमारे लिए सफिशियंट है। ये हमारी साइट है, देख सकते हैं लोकेशन, काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है। और लगभग 10 टंकियाँ थी यहाँ पर जिनको हमें क्लीन करना था, और ये मड पम्प की वजह से हमने इसे जल्दी से क्लीन कर लिया, क्योंकि पानी खाली करने में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। हमने 2 मड पम्प लगाए हुए थे, एक जो ब्लू कलर का पहले मैंने वीडियो बनाया था वो वाला है 1.5 HP का, बट उसका फ्लो लगभग 13 हज़ार लीटर का ही है पर हावर, तो वो थोड़ा कम पड़ता, इसलिए हमने 2 मड पम्प लगाए हुए हैं। टैंक की कंडीशन भी देख सकते हैं आप, काफ़ी ज़्यादा गंदा है। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में बताइएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।